सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर स्टाफ नर्स, ANM, नर्सिंग सिस्टर, फार्मेसिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ड्रेसर, फिजियोथेरेपिस्ट और भी अन्य पद हैं जिनके लिए यहाँ पर बम्पर भर्ती होने जा रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2,249 है जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 12वीं पास, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। ग्रुप 5 के अंतर्गत यहाँ पर स्टाफ नर्स, ECG टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑर्थो टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, OT अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, आई असिस्टेंट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्रेसर, नर्सिंग सिस्टर, ANM लेबोरेटरी असिस्टेंट और भी अन्य पद हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2,249 है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास ANM या फिर JNM का डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री नर्सिंग के अंदर या फिर कोई अन्य मेडिकल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी 18 से 40 साल और 45 साल मैक्सिमम रखी गई है। पोस्ट वाइज आप नोटिस से भी चेक कर सकते हो। सैलरी आपको 4,440 से 91,300 रुपये प्रति महीना तक पोस्ट वाइज प्रति माह के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस की अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आपको 250 और 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे जो कि आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है pb.mp.gov.in। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2020 थी जिसको बढ़ाकर अब 1 नवंबर 2020 कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और जो डेट एक्सटेंड हो चुकी है उसके लिए नोटिस भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस की PDF का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है, इसके माध्यम से आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।